दोस्तों अभी हम देवीगंज माता रानी के दरबार में पहुंचे और माता जी यहीं से होकर के तब थावे गई थी। ये वही स्थल है जो आप देख सकते हैं, ये यहीं से माता जी होकर थावे गई थी। और भाई लोग फाइनली अभी पहुंचे हैं देवीगंज माता रानी के दरबार में, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है। और आज है बुधवार और हम आ चुके हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। देख सकते हैं, चलिए आप लोगों को फ्रंट से दिखाते हैं। और देखिए ये बाहर से सीन है, अंदर पूजा अभी हो रहा है, देख सकते हैं। और बाकी यहाँ का सीन देखिए, नारियल फोड़ने के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, और इस साइड भी के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पे हवन भी होगा। देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण, और इधर भी बहुत सारा स्पेस है, इस साइड भी है। और यहाँ पे शादी विवाह भी होता है, और लड़की का देखा सुनी भी होता है, मतलब बहुत सारा जो कार्यक्रम है यहाँ पे इस मंदिर में होता है। बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, जिस कारण मतलब आराम से यहाँ पे सब कुछ, मतलब शादी हो या फिर किसी भी प्रकार का मतलब देखा सुनी ये सब चीज़ तभी होता है। देख सकते हैं ये मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं यहाँ पर आया था अभी लगभग 10 बज रहा है, और आज बुधवार है, 10 मार्च हो चुका है। चलिए इसके आप फ्रंट से भी आपको व्यूज दिखा देते हैं बाहर। और देख सकते हैं फ्रंट का व्यूज है, और इधर प्रसाद वगैरह का भी दुकान है। और फाइनली यहाँ से गेट है जो आप अंदर एंट्री करेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मिठाई का दुकान है, और यहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, उधर भी प्रसाद का दुकान है। और इस साइड देख सकते हैं होटल है, इसका पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं कितना स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पे मेला भी लगता है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेस है भाई। और देख आप लोगों को मैं पूरा व्यूज दिखाया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेला जब लगता है बहुत ही मतलब अच्छा से स्पेस है, जिस कारण बहुत अच्छा मेला लगता है। कभी आप लोगों को ये मेला जब लगेगा तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा यहाँ पे आकर के, स्पेशली इस मेले को आप लोगों को पूरा व्यूज कराऊंगा। देखते हैं ये भवन है यहाँ पे भी, मतलब आप रुक करके मतलब इसमें भी आप देखा सुनी कर सकते हैं जब मतलब भीड़ हो। मंदिर में भी जगह है, ये भी बाहर एक स्पेस है। सब कुछ दिखाने के बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थक गया था, तो मैं ले लिया उसकी, और इधर घूम के मैं स्टिंग पी रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा पीता हूँ यार स्टिंग। और फाइनली देखिए तिलक भी लगा लिए हैं, और बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। तो भाई लो फाइनली पूजा वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, और अब हम यहाँ से सीधा अपने घर के लिए वापस निकलेंगे। और आप लोगों को दिखा दिया यह मंदिर, सब कुछ यहाँ का व्यूज़ भी आप लोगों को दिखा दिया। और आप लोग यार वीडियो मेरा अच्छा लगता है, आप लोग पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। दूसरा जब भी मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँचता रहेगा, इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए भाई मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तो दे दीजिए, बाय बाय।